और फिर आपका कत्ल करना होगा अल्लाह अकबर। कहा ठीक है देखा जाएगा। अल्लाह वाले ना देखो दो खौफ जमा नहीं होते, एक है खुदा का खौफ और एक है मखलूक का खौफ। जो खुदा से डरता है दुनिया से नहीं डरता, और जो दुनिया से डरता है मखलूक से नहीं डरता। आका फरमाते दो खौफ जमा नहीं होते। ये महबूबे इलाही थे, महबूबे इलाही थे। कहां गए? माँ तो इंतकाल कर गई थी, कब्रस्तान गया। जाकर कहा माँ आज मेरी तेरी आखिरी मुलाकात है, शाम को चांद हो जाएगा। क्या शाम को चांद हो जाएगा और मैं मुलाकात नहीं करूंगा बादशाह की। बादशाह अपने सिपाहियों को भेजेगा, मुझे उठाएंगे और उठाने के बाद कत्ल कर देंगे। माँ आज मेरी तेरी आखिरी मुलाकात है। ए माँ तू ही तो बात है मेरी कि तूने 9 माह पेट में रखा, 2 साल तक दूध पिलाया। ए मेरी माँ तू ही तो थी जो खुद तो भूखी रहती थी, मुझे खाना खिलाती थी। माँ आज तेरा लाल आया है, मैं नहीं जाऊंगा बादशाह के पास, बादशाह मुझे उठा कर ले जाएगा। अल्लाह अकबर। कहा मेरे लिए दुआ कर दे बाप। कब्रस्तान जाकर महबूबे इलाही आए, महबूबे इलाही है खाजा रिजान औलिया। माँ की कब्र पे जाके रोए और बिस्तर पे आ गए। चांद हुआ, ऐलान हुआ, चांद हुआ, चांद हुआ, चांद हुआ, चांद हुआ, ऐलान होता रहा। हर एक आलिम फाजिल शेख हदीस शेखुल इस्लाम इमाम मस्जिदों के इमाम आए, महबूबे इलाही नहीं आए। क्या अब सुबह होनी थी कि महबूबे इलाही को उठाना था है? लेकिन रात हुई, सिपे सालार और बादशाह का झगड़ा हुआ। क्या रात हुई, सिपे सालार और बादशाह, दिल्ली के बादशाह का झगड़ा हुआ। सिपे सालार ने मौका देखा, तलवार निकाली, बादशाह का कत्ल कर दिया। हाय हाय कहो सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआ थी, क्या थी? कि महबूबे इलाही को मारना चाहता था, खुद ही की बात हो गई। माँ ने हाथ उठाए थे कि अल्लाह मेरा लख्त जिगर मेरी बारगाह में रोया है। और अल्लाह फरमाता आका उस वक्त कि जब माँ कब्र पे होती है ना, बच्चा जाता है तो अल्लाह खर्च करती है, मौला जब मैं हयात थी जिंदा थी कि मेरे पास पैसे ले आता, मैं अता करती थी, जो भी इसकी ख्वाहिश थी पूरी करती थी। मौला आज मैं मजबूर हो, कब्र के अंदर तू ही करम फरमा। अल्लाह फरिश्तों के सामने चर्चा फरमाता है, ऐलान करता है फरिश्तों जिसकी माँ के पास बेटा गया, जो मांगा उसे उसके घर से पहुंचने से पहले अता कर दो। सुभान अल्लाह। और ये दूर से अल्लाह, ये है माँ हयात है तो गनीमत समझो। बस दुआ है कि मौला जो कुछ पड़ा है आमिर दुमा रमा दे। मौला मरहूम मोहम्मद रफीक साहब की बख्शिश की अता फरमा, घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्त को सब्र करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको नमाजी बना दो अल्लाह, हम सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, गाजी बना दे, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे। और मैं रब्बानी की सोबत नसीब अता फरमा, हमें गौस पाक की बारगाह में जाने का मौका अता फरमा, हमारे जाने के लिए गैर से इंतजाम अता फरमा। मौलाए कुल मौला अली की बारगाह जाने का मौका अता फरमा, हमारे जाने के लिए गैर से इंतजाम अता फरमा। हम सभी को ख्वाजा खिजर अलैहि सलात व सलाम की तरह उम्र में बरकत अता फरमा, मौला अली मुश्किल कुशा की तरह कुव्वत हैदरी अता फरमा। आखिर दावाना सलाह करे हो जाए।